नमस्ते दोस्तों, दिस इज ऋषिकेश तागवाते फ्रॉम सेवन मीडिया पैलेस और आज हम बात करने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम ये बैग देखेंगे, एक लैपटॉप बैग है ये। इसका लैपटॉप का कंपार्टमेंट, किसी भी लैपटॉप के बैग का कंपार्टमेंट इस तरह से खुलना चाहिए क्या, ताकि लैपटॉप निकालने में आसानी हो। इसके ऊपर ये है एक चार्जर के लिए बेसिक सा कंपार्टमेंट, और उसके बाद ये कुछ एक्सेसरीज बाकी के रखने के लिए, और एक पीछे और एक कंपार्टमेंट है वहाँ पर आप आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। एक डुप्लीकेट बैग है, ये सिर्फ मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पर रखी है। तो यह एक बेसिक लैपटॉप बैग, उसके बारे में आपको पता ही होगा। फिर हम बात करते हैं दूसरे बैग की, जो है एक रेगुलर स्कूल और कॉलेज बैग। इसके बारे में भी आपको सबको पता है। ये मैं इस बैग सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो मेन चार टाइप ऑफ बैग्स होते हैं उसके उसमें से एक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा कंपार्टमेंट्स होते हैं। इस बैग लैपटॉप अपने लैपटॉप के लिए जहाँ पर जगह भी शायद रहेगी, मेरे मैक के और बीच में आ रहे इसके वहाँ से जाता हूँ। यह इसमें लैपटॉप के लिए भी एक जगह है, एक कंपार्टमेंट उसके आगे, फिर भी बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए या फिर बुक्स या फिर नोटबुक्स के लिए जगह। फिर आता है बाग के स्टेशनरी के लिए आपके बाहरी कंपार्टमेंट। फिर आया है एक रिफ्रेशमेंट के लिए रिफ्रेशमेंट होल्डर, बॉटल होल्डर। तो ये है दो बैग्स, एक लैपटॉप कॉलेज। ये बेसिक बैग्स है, इसके बारे में आप सबको बताया होगा इसलिए हम इस पर ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। तो यह है तीसरे बैग जिसके बारे में मैंने बात करने के लिए खास वीडियो बनाया है। यह एक सेमी ट्रैवल या फिर वर्क बैग, आप जो चाहे उसे कह सकते, इसका कोई नाम नहीं है स्पेशल। तो इस बैग की जो खासियत है मुझे अच्छी लगी कि ये बैग 1 and 2 day ट्रैवल के लिए, या फिर आप 3-4 दिन के लिए भी अगर जा रहे हैं और आपको एक स्टोरेज की अगर आपको ज़रूरत है तो ये बैग बेस्ट है। इसके साथ आप एक छोटी सी ट्रैवलिंग जिम बैग या फिर कुछ ऐसे बैग ले जा सकते हैं, ब्रीफकेस या फिर कुछ। तो बैक टू टॉपिक, यह पीछे दो स्ट्राइप्स जिसमें पूरी तरह से कुशनिंग है अंदर और बाहर की तरफ से, ये आपको दिख नहीं रहे तो इसके माफ चाहूँगा से दिखाता हूँ। इसके पीछे भी यहाँ पर एक कुशनिंग है दोनों साइड पे शोल्डर के आराम के लिए। इससे क्या होता है कि आप अगर आप इसमें ज़्यादा वेट डालते हैं तो इससे आपके शोल्डर पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें एक चेस्ट स्ट्रैप भी है इस तरह का, आप इसे अगर आप इसे पेन के चेस्ट के सामने से जोड़ेंगे तो आपका जो वेट है वो आपके चेस्ट और शोल्डर में बढ़ जाएगा। इसमें दो रिफ्रेशमेंट बॉटल होल्डर्स है, एक और यहाँ पर एक दो। इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, ऐसे 4 कंपार्टमेंट्स है। तो ये जो और ये बैग पूरी तरह से वाटर प्रूफ है, मतलब आप ऐसे बारिश में लेके जाएंगे तो इसके अंदर के कंटेंट्स भीगेंगे नहीं। इसके नीचे भी एक पैडिंग है जिसकी वजह से आपके अंदर जो आपका लैपटॉप होगा या फिर कुछ अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर कुछ डिलाइट कोई ऐसी चीज़ होगी तो उससे नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये मैं ऐसे रुक रुक के बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मैं अगर तेज़ बोलूँगा तो आप में से ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये मुझे बहुत सारे लोगों ने वीडियो में कंप्लेंट किए पीछे, इसलिए मैं रुक रुक के बात कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो उसके माफ़ी चाहूँगा। तो और इसके साथ ही आप यह है एक साइड का स्ट्रैप जिससे आपके अंदर के जो भी कपड़े हैं वो अच्छे तरह से कॉम्पैक्ट तरीके से बैठ जाएंगे। तो यह है वो बैग जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये बैग अमेज़ॉन पर होगी शायद, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि ऐसी बैग आप सिर्फ ऑफलाइन ही लें, क्योंकि ऐसे बैग क्या अगर आपको कुशनिंग टेस्ट करनी है तो ऑफलाइन ही बेस्ट रहेगा ऑप्शन आपके लिए, और ये बैग ज़्यादा महंगी भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं चौथी बैग की, जो है रक्सैक। इसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, इसके लिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ ऊपर से कुछ चीज़ें बताएंगे। तो यह रक्सैक आपके ट्रैवलिंग पार्टनर, इसमें भी यहाँ पर दो ऐसे कुशनिंग है, इसके लंबे स्ट्रैप की वजह से और इसके ब्रॉड स्ट्रैप की वजह से आपको वेट कैरी करने में आसानी होगी। इसके पीछे भी कुशनिंग है अंदर की तरफ से, इसमें बाहर की तरफ से थी पिछले बैग में। इसके नीचे भी पैडिंग है,
एक रिफ्रेशमेंट होल्डर यहाँ पर और दूसरा रिफ्रेशमेंट होल्डर यहाँ पर, इस तरह से। तो यह है एक रक्सैक, इसका वीडियो मैंने पहले बनाया है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और या फिर यहाँ पर आई बटन में कुछ मिल जाएगी। तो यह थे चार बैग्स। ये वीडियो मैंने क्विक बनाया है क्योंकि आपको इन चार बैग्स के बारे में बताना चाहता था। तो दोस्तों, ये है समर सीजन, तो इसमें ट्रैवलिंग बहुत होती है, इसलिए मैंने चार बैग्स का वीडियो बनाया है। तो इसके हिसाब से आपको जो बैग अच्छी लगी, आपके लिए सूट हो, वो बैग खरीद सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ जिनको बैग खरीदनी है या फिर जिनका कॉलेज चालू हो रहा है और या फिर जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि आपको इस बैग में से कौन सी बैग अच्छी लगी, और साथ ही साथ आपको बता, अगर आपको और इन बैग्स के बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए, उसके हिसाब से और एक वीडियो बनाऊंगा आपके, अगर आप चाहते हैं तो। फिर आप देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज ऋषि फ्रॉम 7 मीडिया पैलेस साइनिंग आउट।